जमुआ प्रखंड के खरियोडी में आयोजित 10 दिवसीय रुद्र महायज्ञ स शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का दौर शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अनुष्ठान के दौरान सुबह में पूजा पाठ आरती के बाद शाम में श्रीमद् भगवत कथा महापुराण कथा का भी आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने तीसरे दिन भगवान कृष्ण के बाल रूपों के साथ साथ ईश्वर के विभिन्न रूपों का कथा सुनाए। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि धर्म की रक्षा करना सभी सनातनियों का कर्तव्य है। व्यक्ति का आनंद ज्ञान व सत्ता सीमित है पर ठाकुर जी का असीमित है, इसलिए मनुष्य अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत पुराण की कथा अवश्य सुने। उन्होंने श्रद्धालुओं से भारतीय परंपरा को अपनाने की बात कही और विदेशी परंपरा को त्यागने को कहा। कहा कि भारतीय परंपरा हम सभी के लिए पूजनीय है। कथा को सफल बनाने में आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम पूर्ण सिंह, सचिव शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विभीषण कुमार, विभूति रामानंद सिंह, मनोज सिंह, गुल्ली राणा, गोविंद सिंह समेत 5 ग्राम के लोग पूरी तरह से लगे हुए थे। आया था, लोगों ने मरे हुए लोगों की किडनियां बेच दी, ये पैसे कमाने की हद थी। अरे कितने लोगों को तो मार दिया, एक डॉक्टर पकड़ा गया, 48 व्यक्ति मार दिए उस डॉक्टर ने दिल्ली में, किडनी निकालने के चक्कर में उसकी बॉडी पार्ट्स बेच